हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आप लोग, आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे घर में छोटे छोटे ऐसे टिप्स होते हैं जो करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, तो चलिए आज हम आप लोगों को बहुत ही बढ़िया काम का वीडियो दिखाने जा रही हूँ। तो जैसे हमारे घर में लेगी का कपड़ा पड़ा रहता है या कोई टी शर्ट है, और एक बोतल से बहुत ही अच्छा यूजफुल हम वीडियो लेके आते हैं आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो ये बोतल है बिस्लरी की, इसकी हम क्या करेंगे, आगे का ढक्कन कट कर दे रहे हैं और आगे का और पीछे का पार्ट निकाल देंगे। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, एंड तक ज़रूर देखते रहना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बार बार यही बात मैं कहती हूँ हर वीडियो में, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारे ये छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब इसको हम दो भाग में बराबर बराबर में कट कर लेंगे कैंची की हेल्प से। इसको काटने के बाद में आगे हम इसका क्या बनाएंगे, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, हर औरत को देखना चाहिए। सभी के घर में पुरानी लेगीज पड़ी रहती हैं, तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब हम ये लेगी की जो कपड़ा है इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये नीचे का हिस्सा है, इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। लेगी तो आजकल हर कोई पहनता है, लेगी का कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी पट्टियां कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में इसी तरह हम देखिए, ये बड़ी है, इसको हम दो भाग में कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबी नहीं चाहिए। इसको हम पहले बीच से फाड़ देंगे और इसको छोटे छोटे पतले पतले से पीस बना लेते हैं। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया करें कि हाँ, हमारी ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं पसंद आती हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं सारी पट्टियाँ कट करके रख ले रही हूँ। बहुत पतली सी काटनी है, बहुत चौड़ी नहीं काटनी है। इस तरह से काटने के बाद में अब ये बोतल जो है, इसमें हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे चाकू हुआ या कोई चीज़ हुआ, तो इसमें हम दोनों साइड में डबल छेद कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। तो चलिए गैस पे गरम करके इसको हम गरम कर लेते हैं और इसमें हम दोनों साइड में दो दो लाइन छेद करके तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों साइड में हमने इसमें छेद कर लिया। अब क्या करेंगे, जो पट्टियां हमने कट की थी इसमें डाल करके इसके हम अच्छे से कस के बांध देते हैं। तो जितने छेद हैं उसमें हम बराबर बराबर दोनों साइड में बांध देंगे। डबल किया है ताकि हमारा ये जो है पोछा बहुत ही मजबूत बने और अच्छा है। मार्केट से ख़रीद के तो सभी कोई लेके आता है, लेकिन चलिए आज हम घर पे बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया ये पोछा बनके तैयार होता है। इस तरह से देखिए, मैं सारी इसी में पट्टियाँ बांध देती हूँ और ये देखिए, इस तरह से हम इसमें सारी पट्टियाँ बांध के फिर आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया बनके तैयार होता। तो एक लाइन मैंने बांध ली है, दूसरी लाइन जो है डबल छेद से ये रहता है, थोड़ा हमारा पोछा घना हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बच्चे बार बार इधर उधर कर रहे थे कि मम्मी क्या बना रही हैं। तो इस तरह से देखिए, हम इसको जो है बांध के तैयार कर लिए हैं। अब इसके दोनों साइड में हम बांध के पूरा तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए, ये भी बांध दिए हैं, और दूसरी वाली बोतल है उसको भी मैंने इसी तरह एक साइड में बांधा है और दूसरे साइड में उसको भी बांध के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों साइड में इसमें हम बांध देंगे। उसके बाद में आपको बताते हैं कि किस तरह से हम घर पर पोछा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों बोतलों को एक के ऊपर एक रख करके और इसको हम इस तरह से एक छेद करके इसको बांध देंगे ताकि ये इधर उधर खिसके ना और अच्छे से ये एक जगह सेट हो जाए। तो इस तरह से देखिए, जहाँ पे नहीं, अब इसके 20 सेंटर में, एकदम बिल्कुल 20 सेंटर में इसमें हम जितना हमारा बोतल का ऊपर का हिस्सा होता है वो छेद कर लेते हैं। छेद करने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसमें बनाएंगे पोछा। तो ये हम यहाँ पे बीच सेंटर में छोटा सा छेद कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें छेद कर लिया, दोनों बोतलों को एक साथ छेदना है। और छेदने के बाद में हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं दोनों बोतलें एक साथ में हैं और एक बोतल से ही बहुत ही कमाल का वीडियो बना के तैयार किया है और बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आएगा। तो इस तरह से इस ढक्कन को हम इसके अंदर करके और इसको हम नीचे से एक कपड़े से बांध देंगे इसी पट्टी से, ताकि ये हमारा एक जगह सेट हो जाए। और मेरे पास एक पोछे का पहले का जो डंडा होता है वो पड़ा था, इसको हम इसी में लगा देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं, क्योंकि ऐसे ये निकलने का डर रहता है। तो इसको हम इस तरह से इसमें जो है थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, या फिर भी कोई भी चीज़ लगा दें, या तो अच्छे से इसको बांध दें। तो
तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद हमारा पोछा तैयार हो गया। तो ऐसे ये निकल जाएगा, और इसको अच्छे से जब बांध देंगे तो ये निकलेगा नहीं, तो है ना हमारा कमाल का वीडियो। तो इस तरह से देखिए ऐसे निकल जा रहा है, तो इसको हम कपड़े से बांध देंगे, और बांधने के बाद में हमारा पोछा बनके तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो इस तरह से इसको हम इस जगह बांध के तैयार कर लेंगे, और हमारा ये पोछा बनके तैयार हो गया। मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, और आज चलिए हम घर पे बना लेते हैं, अपने घर पे ही बना सकते हैं। इस तरह से इसको हम बांध के कवर कर दिए हैं, अब ये जो है इधर कहीं भी नहीं जाएगा, और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया है, और टाइम भी नहीं लगता है। जरा 1 घंटे में हम इसको पूरा बना के तैयार कर दिए थे। अगर आपके पास नहीं है ये, तो आप कोई लकड़ी भी इसमें डाल सकते हैं, जितनी ये जिसका इसका मुंह है उतनी मोटी लकड़ी ले ले, उसको भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल करके इसको जो है अच्छे से बना के तैयार कर लें। तो ये देखिए है ना कमाल का हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, और हमारा काम भी हो जाएगा। इसे हमें मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, तो सभी के घर में पड़ी रहती हैं। तो चलिए हम अगला टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, कि जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, सभी लोग दलिया बनाते हैं, तो दलिया को हम क्या किए हैं, रात भर पानी में भिगो देते हैं, ताकि हमारी दलिया बहुत जल्दी से फूल जाए। और ये मखाने हैं, और 2-3 बादाम हैं, इनको हम क्रश थोड़ा सा घी डाल के भून लिए हैं, अब इसको हाथ से दबा दिए हैं, ये सारे फूट गए। अब इस तरह से इसमें हम बादाम के टुकड़े काट के डाल देंगे। ये बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होती है, और बच्चों को तो बहुत ही एनर्जी देती है। 1 कटोरी दलिया हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से देखिए हम ये अगर हम रात में भिगो देते हैं तो इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। इसी में हम डाल देंगे ये मखाने और अपने ये, और 1-2-3 चम्मच चीनी डाल करके इसको हम 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद में ये हमारी दलिया बन के रेडी हो जाएगी। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कप, ये देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अगर हम भिगोएंगे नहीं तो हमारी दलिया थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो इस तरह से फुल मलाई क्रीम वाला दूध हम इसमें डाल दिए 1/2 कप, और इसको हम 1 मिनट ढक के पका लेते हैं। हमारी दलिया बनके देखिए तैयार हो गई है, बहुत ही हेल्दी है। 1 कटोरी अगर खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी है। तो हमारा तीसरा टिप्स क्या है, जैसे दाल को लेके है, दाल सब लोग छिलका छुड़ाने में थोड़ा सा समस्या आती है, तो इस तरह से हाथ से हम इसको गदेली की सहायता से ओवर नाइट भिगोने के बाद में इसको हम थोड़ा सा हाथ से पहले रगड़ देंगे बिना पानी डाले, और उसके बाद पानी डाल करके इसका सारा छिलका हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी दाल धुल के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल करके इसका सारा छिलका निकाल देते हैं, आप देखेंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर पानी डाल के हम इसको रगड़ते हैं तो इतनी जल्दी नहीं छूटती है, और पहले रगड़ देते हैं तो हमारी दाल का छिलका बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इस तरह हम छन्नी ले लिए हैं, छन्नी में इसका सारा छिलका निकाल देंगे, और निकालने के बाद में आप खुद ही देख सकते हैं कितनी जल्दी एक ही बार में हमारी दाल पूरी साफ़ हो गई है। इस तरह से हम 2-3 बार पानी डाल करके सारा छिलका निकाल देते हैं। और हमारे है ना कमाल के हमारे छोटे छोटे टिप्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और फिर हम आप लोगों के साथ में इसी तरह न्यू टिप्स लेकर के हाजिर रहूँगी। अगर आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, थैंक यू।